नोवा का 2-in-1 हेयर स्टाइलर। बहुत ही ज्यादा गर्मी है यार, अच्छा कर रहा है ये, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। ओ वाह, थोड़ा सा टाइट है यार। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक रिव्यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरा 200 रुपीज़ वाला स्ट्रेटनर का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, तो मैंने फिर से मंगाया है एक स्ट्रेटनर मीशो से। तो जो स्ट्रेटनर मैंने मंगाया है वो है ये नोवा का 2-in-1 हेयर स्टाइलर, जिसमें आपको स्ट्रेटनर भी मिलता है, कलर भी मिलता है, साथ में ही दोनों चीज़ें मिल जाती है। तो पहला वाला जो मैंने मंगाया था उसमें केवल आपको स्ट्रेटनर मिला था। वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ पे मैं दे दूँगी, आप देख सकते हैं आई बटन से। तो इसमें मैंने मंगाया है स्ट्रेटनर और कर्लर दोनों। तो बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको एक ही में दो चीज़ें मिल जाए, और अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो ये बहुत ही चीपेस्ट है यार। तो इसकी प्राइस है ओनली 300 रुपीज़, तो बहुत ही सस्ते में आपको मिलता है, कुछ इस तरह से आता है ये, देख सकते हैं। जब आप इसको वेबसाइट पे देखोगे ना मीशो के, तो वहाँ पे आपको ऐसा लिखा नहीं मिलेगा कि ये नोवा का है, बस आपको हेयर स्टाइलर मिलता है स्ट्रेटनर प्लस कर्लर। पर यहाँ पे आपको जब रिसीव होता है तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये नोवा ब्रांड का है। और मुझे याद है ये फ्लिपकार्ट पे थोड़ा महंगा मिलता था पहले, अभी शायद उन्होंने भी प्राइस कम कर दिया है। वैसे अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से मिलता है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी गई है कि आपको कैसे स्ट्रेट करना है, कैसे कर्ल करना है। तो बॉक्स को जल्दी से हम हटाते हैं और देखते हैं हमारा हेयर स्ट्रेटनर। तो मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर लिया था। तो कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रेटनर प्लस कलर आता है, पिंक कलर का, नोवा का आई थिंक पिंक कलर में ही मिलता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है ये। एंड इसकी ये वायर है, तो इतनी लंबी इसकी वायर मिल जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बट ठीक है, ओके है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रेटनर आता है। यहाँ पे सबसे पहले ऑन ऑफ बटन है, तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पे कर्लिंग वाला यहाँ पे आपको पूल मिलता है, और बैक साइड से यहाँ पे इस तरह से ये थोड़ा सा टाइट है, यहाँ से इसको आप नीचे करोगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा, और ऊपर कर दोगे तो ये बंद हो जाता है इस तरह से। तो इसको खोलने बंद करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया, तो नीचे कर देते हैं हम इस तरह से। यहाँ से आप बालों को स्ट्रेटन कर सकते हैं। इसकी जो प्लेट है स्मूथ तो है यार काफ़ी, बट देखते हैं कितना स्ट्रेटन करता है हमारे बालों को। तो टेम्परेचर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है कि टेम्परेचर को कैसे सेट कर सकते हैं। आई थिंक इसमें टेम्परेचर का कुछ है नहीं है, ऑटोमेटिक है, अपने से ही हीट हो जाता है ये, और मुझे नहीं लगता कि इसमें टेम्परेचर कैंसिलेशन वगैरह कुछ होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लगा देते हैं हीट होने के लिए, तो मैंने लगा दिया है। अभी हम इसके स्विच को ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर की एक बल्ब जल गई है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ऑन हो चुका है। तो इसको हम रख देते हैं हीट होने के लिए, तब तक हम अपने बालों को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यार, और ऐसे में बालों को खोलना और इतने देर तक हीट अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर से फ़ैन भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो फ़ैन की वजह से बहुत ही आवाज़ आती है। तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं यार, वीडियो को लाइक कर देना इसी बात पे। अप्लाई करूँगी यहाँ पे हेयर सीरम, क्योंकि यार मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल ख़राब हो जाएँ। तो अच्छे से हम हेयर सीरम अप्लाई कर लेंगे अपने बालों में, ताकि हमारे बाल जो हैं वो थोड़े से प्रोटेक्ट रहें हीट से। और हीट वगैरह यार ज़्यादा अप्लाई मत किया करो बालों में, कभी कभी किया करो, मैं अपने बालों में बहुत ही कम करती हूँ। आप मेरे बालों को हालांकि अच्छा तो लगता है जब अपने अपने बालों को स्ट्रेटन कर लेते हो, कर्ल कर लेते हो, और मुझे तो वीडियोज़ बनाना होता है तो मुझे तो वैसे रोज़ करना चाहिए, पर मैं नहीं करती यार। नेचुरल बाल हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे, और मेरे बाल आई थिंक काफ़ी अच्छे लगते हैं। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो मैं तभी करती हूँ जब मुझे कोई डिफरेंट टाइप का मेकअप लुक शूट करना होता, तब मैं कर लेती हूँ। तो पहले क्या करना चाहिए, स्ट्रेट करना चाहिए या कर्ल करना चाहिए? मुझे लग रहा है पहले हम स्ट्रेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है स्ट्रेट बहुत अच्छा नहीं जाएगा और कर्लिंग अच्छी होगी। तो अच्छे वाले को हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा दुख ले लेते हैं, फिर थोड़ी सी खुशी लेंगे। तो इस तरह से आपको पकड़ लेना है, यहाँ पे हीट नहीं है, जहाँ पे पकड़ने का स्पेस है ना यहाँ पे बिल्कुल भी हीट नहीं है, तो इस तरह से आप पकड़ सकते हो अच्छे से इसको। तो अभी हम इसको ऐसे पकड़ के रखना है, और फिर धीरे 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 करते हुए आपको नीचे आना है। तो थोड़ा सा इस पर ग्रिप नहीं बन रहा है,
देख सकते हो कैसा स्टेट हुआ है। आई थिंक ठीक ही हुआ है। चलो अभी दूसरा सेक्शन करके देखते हैं। तो ये है स्ट्रेट वाले बाल, आप देख सकते हैं कैसा है। मैं जल गई यार। एक्चुअली इसको पकड़ने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। जब मैं यहां से होल्ड कर रही हूँ तो ये बहुत ही अच्छे से होल्ड नहीं हो रहा। शायद आपको दिख सकता है कि आप इधर से देखो, आप ये बीच में थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा है ना, तो इसमें से बाल उतने अच्छे नहीं आ रहे। ये देखो इसमें इस तरह से गैप दिख रहा है जब मैं दूर से पकड़ रही हूँ, और मुझे इसको बहुत ही पास पकड़ना पड़ रहा है थोड़ा सा ग्रिप बनाने के लिए। तो मैं जब इसको ऐसे पास पकड़ रही हूँ तो जलने का डर है, क्योंकि तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लग रही है इसमें। चलो पहले स्ट्रेट कर लेते हैं। बस मैं एक सेक्शन और दिखाऊंगी आपको, मेरे से ज़्यादा नहीं हुआ भैया, बहुत गर्मी है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रेट किया है इसने मेरे बालों को, ये देख सकते हो आप। आई थिंक स्ट्रेट तो अच्छा कर रहा है ये, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देती हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो इसको जब मैं बंद कर रही हूँ ना, तो इसमें बंद करते टाइम होता क्या है कि इधर साइड पे आपको ये वाला दिख रहा है ना जो उठा हुआ है इधर पे, और इस साइड पे इसमें उतने ही सेम साइज का इतना बड़ा गैप है। तो जब ये वाला इसमें जाके फिक्स हो जाता है तब ये बंद हो जाता है, ये इस तरह से ये बंद होता है। तो जब मैं इसको बंद कर रही हूँ ना, ये थोड़ा सा स्ट्रेटनर ऐसे हिल रहा है ऐसे, तो ये इधर उधर हो जा रहा है, जिसकी वजह से जब बंद हो रहा है तो बहुत ही मुश्किल कर रहा है। और इसके बीच में इस तरह से गैप आ जा रही है जिसमें से मेरे बाल निकल जा रहे हैं, और शायद यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, कोई स्क्रू लगा हुआ है इसको टाइट करने के लिए, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा ढीला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये इसी सेट के साथ है, मतलब सारे सेट के साथ नहीं होगा। तो स्ट्रेट तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट ये वाला मुझे एक प्रॉब्लम लग रहा है थोड़ा सा। जब मैं इसको इस तरह से बंद कर रही हूँ तो ये देखो आप, ऐसे आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये सही से बैठ नहीं रहा है उसमें। ये देखो इस तरह से, तो ये इस सेट का प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज काम तो इसने काफ़ी अच्छा किया है। ये देखो आप, स्ट्रेट तो बहुत ही अच्छे से किया है। तो ये वाला हो गया स्ट्रेटनर का काम, आप देख सकते हैं। अभी मैं दूसरे साइड पे आपको कर्ल करके बालों को दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से कर्ल करता है, और मुझे जहाँ तक लगता है ये कर्ल ज़्यादा अच्छा करेगा। तो अभी हम अपने दूसरे साइड पे बालों को कर्ल करेंगे। इसके बाद कर्ल करने के लिए क्या करना है, आपको इसको बंद कर देना है पहले। तो सबसे पहले इसको आपको क्लोज कर देना है यहाँ से, इस तरह से। अब ये वाला जो है ना, इसमें आपको अपने बालों को फंसाना है। तो इसमें आपको अपने बालों को फंसा लेना है इस तरह से, और फंसा के आपको इस तरह से नीचे आना है, सबसे लास्ट में अपने बालों के आना होता है, ठीक है। फिर आपको इसको कर्ल करना है इस तरह से, इस तरह से। शिट, ये निकल गया, फिर से करते हैं। तो पहले आपको अपने बालों को ऐसे जाके फंसा लेना, थोड़ा सा रहने देना अपने बालों को, बिल्कुल एंड तक नहीं जाना। फिर आपको इस तरह से रोल कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब जब इस तरह से रोल करोगे ना, तो आपके कर्ल जो है, इस वाले साइड के जो कर्ल है, ये इस तरह से बाहर की तरफ जाएंगे, मतलब समझो। ये देखो जैसे हमारा शेप है ना, तो कर्ल इस तरह जाएंगे। जब दूसरे साइड का हम कर्ल करेंगे, तो दूसरे साइड का करने के लिए हमको इस तरफ कर्लर को घुमाना पड़ेगा, ताकि हमारे जो कर्ल है वो उधर जाए। तो कम से कम हम इसको 20 से 30 सेकंड के लिए रखेंगे इसी तरह से। आई थिंक अभी तक हो गया होगा 20-30 सेकंड। चलो अभी मैं इसको ओपन कर लेते हैं इस तरह से। ओ वाओ, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से कर्ल हुए हमारे बाल।
अच्छे से बुझाओ भाई बस। ओ वाह, अच्छे कर्ल हो रहे हैं यार ये देखो। क्या बात है, ये देखो आप बड़े अच्छे से स्ट्रेट कर रहे हैं हमारे बालों को, कर्ल भी अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक बस आपको समझ में आ गया होगा कि कितने अच्छे से ये कर्ल कर रहा है। तो काफी अच्छे से इसने कर्ल किया है। अगर आप चाहो ना तो इस इन कर्ल को खोल सकते हो, तो थोड़ा सा लूज वाला कर्ल आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये था मेरा नोवा का 2-in-1 हेयर स्ट्रेटनर एंड कर्लर का फुल रिव्यू एंड डेमो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और गैजेट का रिव्यू करूँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी रिव्यू करने का। इवन आप गैजेट क्या, अगर कोई भी चीज़ अगर आप मीशो से चाहते हो मुझे कि मैं उसका रिव्यू करूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ऑर्डर कर लूँगी यार और रिव्यू कर दूँगी आपके लिए। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।